नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे थे हिंदुस्तानी अनबॉक्सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और दोस्तों बहुत ही शानदार एक मशीन का रिव्यू लेकर के आया हूं, जो कि दोस्तों हमारी आती है 80+ कंपनी की तरफ से आने वाला एक एम्पलीफायर है। तो जानेंगे दोस्तों क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन, कितने वाट का हमारा एम्पलीफायर है, कैसा उसका रिस्पॉन्स है, ओवरऑल उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कितनी प्राइस में हमारा एम्पलीफायर आता है, सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी अनबॉक्सर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एम्पलीफायर रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार का हमारा एम्पलीफायर का ओवरऑल लुक आता है। सामने की तरफ से दोस्तों हमारा एम्पलीफायर इस प्रकार से नज़र आता है। इसमें आपको दोस्तों दो चैनल देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ हमारा इसमें पूरे कंट्रोल दिए गए हैं, हमारा ऑन ऑफ स्विच है। इसमें सभी प्रकार की दोस्तों हमारे इंडिकेटर आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाए। प्रोडक्ट की एलईडी हो गई, पावर ऑन की एलईडी हो गई। बाकी दोस्तों हमारा ये सामने की तरफ स्विच दिया गया है, जो कि हमारा ऐसे स्टीरियो और हमारा मोनो मोड को सिलेक्ट करने के काम आता है। इसमें आपको इनबिल्ट क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको हमारा ट्रेबल, मिड और बेस के दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ से हमारा ये हमारा पूरा मास्टर कंट्रोल दिया गया है चैनल ए और चैनल बी के लिए। बीच में हमारा ऑन ऑफ का स्विच है पूरा, और हमारा सामने की तरफ 80+ की ब्रांडिंग है। और नीचे की तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डीजे एम्पलीफायर, इसमें जी सीरीज लिखा हुआ है। ये डीजे सीरीज का एम्पलीफायर है। बाकी इसका मैं ओवरलोक आपको पूरा ऐसे टेस्ट कर भी बताऊंगा इसकी कैसी साउंड, क्या साउंड क्वालिटी है। बिल्ट क्वालिटी के विषय में बात करें तो सामने की तरफ हमें ग्रे बंडल देखने को मिल जाते हैं, जो कि सामने अगर मशीन को हम ऐसा रख भी देते हैं तो हमारी जो बटन है उसके अंदर है, तो प्रोटेक्ट रहेगी हमारी, किसी प्रकार की टूट फूट नहीं होगी। इसमें दोस्तों हमारा गोल वाला ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है। और पीछे की तरफ से हम बात करें तो इस मशीन में आपको हमारे टर्मिनल सॉकेट देखने को मिल जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का दोस्तों XRX हमारा आउटपुट के लिए दोस्तों इसमें टर्मिनल सॉकेट का यूज करा गया है। ये हमारे इस मशीन के फ़ैन लगे हुए हैं, जो कि इसकी हीटिंग कैपेसिटी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। यहाँ से हम इसमें हम इनपुट करेंगे दोस्तों, और यहाँ से हमारा आउटपुट सेक्शन है। इसमें आपको यहाँ पर फ्यूज देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये हमारे टर्मिनल है दोनों चैनल के लिए पर्टिकुलर अलग अलग। पीछे की तरफ दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और बिल्ड क्वालिटी की वजह से हम बात करें तो दोस्तों काफ़ी वजनदार मशीन है हमारी, यानी इसका जो वजन है दोस्तों 41 kg के लगभग है, यानी 41 किलो का हमारा वजन है। और रही बात दोस्तों इसमें आपको 16 एम्पीयर की पावर कोड, अच्छी खासी पावर कोड देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी इस मशीन की कुछ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, पूरा लुक, पूरा रिव्यू दोस्तों कैसी आपको मशीन। अब मशीन के आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों डबल चैनल 1250 से 1250 का हमारे ए और चैनल ए बी पर दोस्तों आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल 2500 वाट की हमारी कुल एम्पलीफायर है। और दोस्तों ये क्या है हमारा, बोल सकते हैं कि बूस्टर पद्धति पर आधारित एम्पलीफायर, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बूस्ट देखने को मिल जाएगा, जो हमारे मॉस्फेट एम्पलीफायर होते हैं दोस्तों उनकी अपेक्षा थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा पंच देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं इसे आपको चेक कर ही बताऊंगा, चालू कर बताऊंगा कैसा इसमें दोस्तों हमारा रिस्पॉन्स आता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम एक बार इसकी इसे चालू कर देख लेते हैं किस प्रकार का दोस्तों हमारा चालू होने के बाद एम्पलीफायर नज़र आता है। मैंने इस मशीन को चालू कर दिया है दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट की LED चालू हो गई है और इसमें हमारे फैन जो है चलना चालू हो चुके हैं। तो करते हैं दोस्तों हम इस मशीन की साउंड टेस्टिंग। दोस्तों मैं मेरी दुकान से कम 150 फीट की दूरी पर आ चुका हूँ। दोस्तों ये जो स्पीकर बज रहे हैं इसका भी मैं आपको ओवरऑल पूरा टेस्ट देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, इसका भी मैं एक वीडियो बना कर लाऊँगा। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, yeah.
दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं कम से कम 200 से 250 फीट की दूरी पर पहुंच चुका था। मैं चाहता तो इससे ज़्यादा और दूरी पर भी जा सकता था, पर दोस्तों ज़्यादा दूरी पर जाने पर मेरा माइक जो है डिस्कनेक्ट हो जाता। तो दोस्तों आपने देखा इसकी साउंड क्वालिटी। दोस्तों ये तो हमारा नाइट का सीन था। बाकी अगर हम बात करें इस मशीन की, दोस्तों ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी तो काफ़ी लाजवाब है। दोस्तों ये हमारी मशीन में जो फिलहाल में जो हमारे टॉप चला रहे थे दोस्तों, हमारे 1600 वाट के टॉप हैं। 1600 वाट के टॉप के साथ दोस्तों हमारी मशीन का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। क्योंकि क्या है दोस्तों, एक हमारा स्पीकर 400 वाट का डला हुआ, तो इस हिसाब से हमारा देखा जाए तो HF मिलाकर 900 वाट, 9 × 2 = 1800 वाट का हमारा ओवरऑल सिस्टम बनता है। हमारे 1600 वाट के स्पीकर हैं और 200 वाट की हाइस है, और ये मशीन हमारी 2500 वाट, तो ये बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं हमारे इसमें 750 वाट बिल्कुल फ्री चल रहा है। जिससे क्या है दोस्तों, मशीन में भी किसी प्रकार का लोड नहीं होगा और हमारे स्पीकर भी अपनी पूरी फुल क्षमता पे, पूरी फुल कैपेसिटी वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की इसकी पूरी दोस्तों साउंड टेस्टिंग थी। बाकी आप हेडफोन लगाकर जरूर सुनिए अगर आपने नहीं सुनी होगी दोस्तों। बाकी जो स्पीकर थे उसका भी मैं आपको रिव्यू लाकर दूंगा दोस्तों। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन में, मतलब जो इन दोनों मतलब चीज़ों का जो सेट का पूरा प्राइस और इसकी जो रियल टेस्टिंग है दोस्तों, जो व्यक्ति इस सेट को खरीद रहा है उसके साथ पूरा एक वीडियो भी दोस्तों लाकर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार का मन में डाउट रह जाता है, कोई आपको सवाल उठता है मन में, तो सब कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।